सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट और चीनी का यूज़ करके, और मैंने वो एक ऐसा करके वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और आज फिर मैं एक वैसा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें एक कंपोनेंट सेम है शुगर, लेकिन उसमें पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया था, लेकिन इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड 98% प्योर है, बिल्कुल प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इन दोनों को भी मिलाने पे एक बहुत ही मस्त शानदार रिएक्शन होती है, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन होती है। तो मैं आज वही रिएक्शन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू एंड तक, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं इसको शुरू करता हूँ। इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी कार्य को अपने घर पर और कहीं पर भी ट्राई करने की कोशिश ना करें। सो ऑलराइट गाइस, मैंने ये इसके अंदर बीकर के अंदर शुगर पहले से ले रखी है। अब इसके अंदर मिक्स करना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूँ, आप कुछ भी ऐसे कुछ भी ट्राई करने मत करना, कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होने वाली है। मोस्टली इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है मेनली, तो ये सब ज़्यादा डेंजर है। शुगर तो उतनी ज़्यादा डेंजर नहीं है, लेकिन ये सब ज़्यादा डेंजर है, खतरनाक चीज़ है। तो आप ऐसा कुछ भी मत करने की कोशिश करना। तो मैं इसको इसके अंदर बहुत ही केयरफुली शुगर इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, सॉरी शुगर नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड शुगर में डाल रहा हूँ बहुत ही ध्यान से। बस मेरे हिसाब से इतना काफी होगा। गाइस, मैंने इसमें डाल दिया है, मैं इसकी लकड़ी के हेल्प से इसको पूरा मिक्स कर देता हूँ। ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे, आप देख रहे हो। ये चीज उठ रही है ऊपर, वो गाइस यू कैन सी रिएक्शन स्टार्ट। ये देखिए किस तरह से ये ऊपर उठने लगा है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है। ओह माय गॉड, इसके अंदर वेपर भी निकल रही है, आपको अगर दिख रहा होगा तो। अभी बहुत ज्यादा हीटअप हो गया ये, ओह माय गॉड। देखिए गाइस क्या निकल रहा, अभी भी निकले जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये क्या निकल गया, ये क्या हाल हो गया चीनी का। मैं इसको टच करके देख रहा हूँ, भाई साहब बहुत ज्यादा हीटअप हो गया ये। तो गाइस इस रिएक्शन के अंदर हुआ ये है कि जब शुगर के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया जाता है, तो एक तो निकलता है वाटर वेपर जो आपको दिख रही है, और एक इस चीनी का बनेगा कार्बन जो आपको दिख रहा है, और साथ में एक गैस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर और कार्बन, ये तीन चीज़ें बन के सामने आती है जब शुगर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया जाता है। तो इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ इसी लकड़ी की हेल्प से। ओ माय गॉड, टेबल का भी हाल ख़राब हो गया है। मज़ा आया। सो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी लगी होगी, ये रिएक्शन देख के आपको मज़ा आया होगा, कुछ नया देखा होगा। आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो पास में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसको ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तब भी आएगा जब आप बेल आइकन को ऑन रखोगे। तो ये दो तीन काम आप कर लीजिए, और मेरा काम तो आपको पता ही है, इसकी साफ़ सफाई करना। तो मेरा काम है ये साफ़ सफाई करना, और आप अपना काम कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।